अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद हो कि आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज की वीडियो जो है ये कोई मैकेनिक वीडियो के ऊपर नहीं है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर है कि सऊदी अरब में जो आपसे पहले एक न्यूज आ रही थी कि 50% ऑफ हो रहा है, जिसके जो मुखालफे थे क्या वो 100% हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल 100% हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 150 रियाल का मुखालफा था, ज़्यादा नहीं था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको भरा सुबह तकरीबन 8 बजे, और मैं अभी चेक किया तकरीबन 4 घंटे बाद, तो वो जो मुखालफा मेरा अब सर से भी हट गया, और मैं जहाँ से पे किया था वहाँ से भी मेरा वो मुखालफा हट गया। 150 था तो मैंने 75 रियाल का पे किया, क्योंकि उसमें 75 रियाल ही दिखा रहा था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 100% ये सही है या गलत है, क्योंकि मैंने सब स्क्रीन शॉट लेकर के रखे है और वीडियो बनाई थी, तो उसके से मैं स्क्रीन शॉट या वीडियो पीछे लगाता हूँ। तो आप इंशाल्लाह देखिए, और आप भी जल्दी से जल्दी हो सकते तो आज के दिन में मुखालफे पे कर दीजिए, कंपनी की तरफ से करिए या अपने कोई वॉलेट के थ्रू करिए, जैसे यूआरपे है, यूआरपे से आप कर सकते हैं। अगर उसके बारे में तरीका नहीं पता कि यूआरपे कैसे मुखालफा भरना है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं कैसे आप यूआरपे से भर सकते हैं, क्योंकि और एप्लीकेशन या इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं है जिससे आप भर सकते हैं यूआरपे से अलावा। जैसे कि आपके पास क्या नाम है इसका एसटीसी पे है, उसमें ये तरीका नहीं है, लेकिन यूआरपे के अंदर ये तरीका है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मेरा ये 100% भरा या नहीं भरा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं जो मैसेज में जाकर के आपको दिखाता हूँ कि ये जो मुखालफे का जो मुझे मैसेज आया था कि यहाँ पर भरा या नहीं भरा, तो ये मैसेज वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ यूआरपे में, क्योंकि मैं यूआरपे से ही इसको पे किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज है, यहाँ पर भी लिखा हुआ रहा है, ठीक है। ये कोड आया था, एक ये कोड आया था, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, योर वॉलेट और 75 रियाल यहाँ पर अमाउंट लिख रहा है, क्योंकि 150 रियाल का मुखालफा था, ठीक है। यहाँ पर बिल नंबर भी नीचे दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ पर डेट भी देख सकता है, 18/4/2024 और 8:28 मैंने इसको पे किया था, ठीक है। और मैंने तकरीबन 1-2 घंटे तक वेट किया, लेकिन वो नहीं हटा था, तो लेकिन अभी हट चुका है। चलो मैं अपसर में भी जाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर जो इसकी जो बिल नंबर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसकी आईडी नहीं है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑप्शन में, आपको दिखाता हूँ या वीडियो के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस वक्त ऑप्शन में आ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई भी वॉल्यूशन नहीं है, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं व्यू ऑल पेड वॉल्यूशन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे अब तक कितने जो मुखालफे यहाँ पर है, सबसे ऊपर का जो मुखालफे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरे ऊपर जो है 75 रियाल का मुखालफा जो आया था, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर था कितनी स्पीड थी, लिमिट थी 100 की, लेकिन मैं 111 की स्पीड को क्रॉस किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर मुझे 100 रियाल का फ़ाइन आया। 100 रियाल का फ़ाइन आने के बाद यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर आईडी नंबर भी देख सकते हैं इसका वायलेशन का। अब उसके बाद में मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैं बता रहा था किस तरह से इसको भरना था, तो वो भी मैं इसी के साथ लगा देता हूँ। तो दोस्तों एक ये यूआरपे का एक अकाउंट है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसमें मुखालफा कैसे भरते हैं ये नहीं पता, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अगर आपके पास एसटीसी पे है, एसटीसी पे से कैसे इसमें पास पैसे ट्रांसफ़र करने, ये भी मैं बता दूंगा अगर आप पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते, अगर आपको यहाँ पर बिल भरना है, तो यानी कि अपना गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है।